हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो सभी लोगों के काम में है। दोस्तों, चेस में टोटल चार तरीके के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं बिगिनर्स, दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट, तीसरे होते हैं एडवांस प्लेयर और फोर्थ एक्सपर्ट प्ले। अब आप अपने आप को किस रेंज में देख सकते हैं अभी? मतलब अभी आपको पता नहीं है कि आप कौन से ग्रुप में हैं। तो मैं चारों लेवल के बारे में पहले बताऊंगा आपको। तो बिगिनर्स लेवल जो होते हैं, मतलब बिगिनर्स जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं गेम सीखना, गेम खेलना, ऐसा नहीं कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसे बिगिनर्स कहते हैं। कई बार सिर्फ मुंह चलाने आते हैं लेकिन मुंह के फॉर्मेट लिखने नहीं आते, इलीगल मूव्स ज्यादा करते हैं, ब्लंडर्स ज्यादा करते हैं, इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं बिगिनर्स। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट की। अगर आप चेस की पजल्स में ली चेस या chess.com जो भी ऑनलाइन साइट्स है उसमें आप पजल्स करते हो और दो मुंह की पजल, दो मुंह का थिंकिंग आप कर सकते हो, इसका मतलब है आप इंटरमीडिएट लेवल में हो और आपको मिडल गेम के बारे में ज्यादा सीखना जरूरी है। तो तीसरा जो प्लेयर होता है वो है एडवांस प्लेयर। एडवांस प्लेयर किसे कहते हैं कि आपको कुछ कुछ ओपनिंग्स आती है, 50% जैसा आपको एंड गेम का नॉलेज है, पूरा नहीं है, और मिडल गेम में आप कुछ कुछ टैक्टिक्स कर लेते हैं, जैसे कि पिन, नाइट फॉर्क, डबल अटैक, डिस्कवर, ऐसे जो जाने माने टैक्टिक्स है वो आप कर लेते हैं, तो आप एडवांस लेवल में आते हो। उसमें एडवांस लेवल में आप अपना जो थिंकिंग चेक करना चाहते हो तो मीटिंग थ्री की पजल करके देखिए। अगर आप तीन मुंह की पजल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो आप एडवांस प्लेयर हो। और एक्सपर्ट प्लेयर किसे कहते हैं? एक्सपर्ट प्लेयर मतलब आपको किसी भी ओपनिंग के सारे वेरिएशन मालूम है। पहला नंबर, ओपनिंग के बारे में सारे वेरिएशन मालूम है, मिडल गेम की सभी टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हो, थिंकिंग कैलकुलेशन आपका बहुत ही ज्यादा है, फोर मूव्स या फाइव स्टेप तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड गेम की सारी स्ट्रेटेजी आपको आती है, पॉन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड गेम में कैसे गेम खेलना है, ये सब कुछ आपको आता है, तब आप आते हो एडवांस प्लेयर में, एक्सपर्ट में, सॉरी। तो ये चारों अभी आप अपनी कैटेगरी खुद देख सकते हैं। जब भी आप चेस खेलते हो आप ब्लंडर्स ज्यादा करते हो तो आप होते हैं बिगिनर्स लेवल में। आज का जो स्पेशल वीडियो है ये चारों लेवल के प्लेयर के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ऐसा नहीं कि आप एडवांस से एक्सपर्ट हो तो ये वीडियो ना देखें, इसे पूरा देखिए, बहुत ही मजा आएगा इसमें। तो शुरू करते सबसे पहले गेम खेलने की स्टाइल। जो सबसे पहले पहला मूव जो होता है, नॉर्मली बिगिनर्स को पता नहीं है, वो लोग h4 या फिर a4 वगैरह वगैरह कुछ खेल लेते हैं या फिर नाइट को निकाल लेते हैं इस साइड में, तो ये सब सारी गलतियां स्टार्टिंग के जो करते हैं वो बिगिनर्स प्लेयर है। आपको देखना है सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन e4, मैं सजेशन करूंगा e4। हालांकि बहुत सारी ओपनिंग्स है जो d4 भी खेली जाती है, c4 भी खेली जाती है, लेकिन इन स्टार्टिंग लेवल में जब आप गेम सीख रहे हो या आधी अधूरी गेम आपको आती है उसके लिए e4 बेस्ट। ब्लैक रिप्लाई दे रहा है e5, ये ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई है। अब दोस्तों, ये वीडियो ओपनिंग के बारे में नहीं है, ध्यान रखो ओपनिंग के फंडामेंटल, किस मूव के रिप्लाई किस तरीके से देने चाहिए। नाइट f3 आपका बेस्ट मूव होता है, सेकंड मूव।
नाइट डेवलप भी होता है और पॉन के ऊपर अटैक भी करता है। अब आपको ब्लैक की ओर से सोचना है, तो ब्लैक के पास पॉसिबल मूव्स, ओपनिंग अगर आपको नहीं भी आती है तब भी ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ओपनिंग अच्छे से आ जाएगी। भले ही आपके पास कोई भी ओपनिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप डेवलप करके अच्छे से गेम खेल सकते हो। सिर्फ स्ट्रेटेजी याद रखनी है। अब देखो, वाइट ने नाइट से पॉन पे अटैक किया है। यहाँ पे इस पॉन को सेव करना जरूरी है। बिगिनर्स प्लेयर इसको बचाते नहीं है, कुछ और खेल देते हैं और पॉन जाने देते हैं, तो ये मिस्टेक्स बिगिनर्स प्लेयर से है। लेकिन पॉन को बचाने के रास्ते कितने हैं, तो ब्लैक की ओर से हम देखेंगे तो एक तो एफ सिक्स पॉन से सपोर्ट, दूसरा जो मूव है क्वीन एफ सिक्स, क्वीन से सपोर्ट, तीसरा मूव है क्वीन ई सेवन से क्वीन से सपोर्ट करो, पॉन को प्रोटेक्शन ही दो। फोर्थ मूव जो है बिशप डी सिक्स, बिशप से सपोर्ट करो। फिफ्थ मूव है डी सिक्स और नाइट सी सिक्स। अब इस सारे मूव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है एफ सिक्स, तो एफ सिक्स बहुत ही टेरिबल है, मतलब हमारे लिए बहुत डेंजर है। ब्लैक के लिए कभी भी एफ सिक्स नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात कि किंग वाला जो डायगोनल शुरुआत से ओपन हो जाता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, इसकी ट्रैप थी, एफ सिक्स ट्रैप करके वीडियो है, आप देख सकते हो। शॉर्ट में मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर आप एडवांस प्लेयर हो तो कोई एफ सिक्स से सपोर्ट करे तो आपको तुरंत ही नाइट सेक्रीफाइस कर देना है। नाइट टेक्स आफ्टर पॉन टेक्स, उसके बाद क्वीन एच फोर चेक। अब यहाँ पे जी सिक्स अगर किया चेक सेव करने के लिए तो डबल अटैक से आपका रुक चला जाएगा, तो जी सिक्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या रिप्लाई देगा, ओनली मूव किंग ई सेवन। अगर किंग ई सेवन किया तो कुछ मूव में गेम चेकमेट होती है, जैसे कि क्वीन ए फाइव, किंग को एफ सेवन ओनली मूव है, बिशप सी फोर चेक, उसके बाद किंग जी सिक्स, क्वीन एफ फाइव चेक, किंग एच सिक्स और डी थ्री डिस्कवर चेक बिशप का। यहाँ पे ब्लैक जी फाइव करेगा फोर्स, एच फोर, अब ये पॉन के ऊपर क्वीन पॉन और बिशप तीनों का अटैक आ गया, तो सपोर्ट बिशप से करना जरूरी है। पॉन टेक्स पॉन डबल चेक, रुक और पॉन का किंग एफ सेवन और क्वीन एफ सेवन चेकमेट। तो दोस्तों ये एफ सिक्स करने से ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे एफ सिक्स हमने देखा कि बहुत ही बैड मूव है, कभी भी करना नहीं चाहिए। तो पहला हमने ऑप्शन रिजेक्ट किया। हम अपनी मूव चॉइस करते हैं, देखो गेम खेलते टाइम ऐसे ही मूव चॉइस करने होते हैं। दूसरी चॉइस जो है क्वीन ई सेवन, क्वीन एफ सिक्स, क्वीन एफ सिक्स बैड है। किस लिए, क्योंकि अगर हम ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफ सिक्स की जगह नाइट के लिए होती है जनरली, तो हमें क्वीन से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफ सिक्स पे नाइट ही अच्छा रहता है। तो ये भी हमने रिजेक्ट किया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, क्वीन ई सेवन, तो क्वीन ई सेवन क्यों बैड है, बिकॉज हमारा जो बिशप है एफ एट पे वो ब्लॉक हो जाता है, उसका रास्ता बंद हो जाता है, तो डेवलप करने में आसानी नहीं रहेगी, बहुत दिक्कत होगी। तो क्वीन ई सेवन भी हम रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं बिशप डी सिक्स, बिशप से सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि बिशप डी सिक्स हमारे डी सेवन पॉन को ब्लॉक कर रहा है, तो हमारा कोई भी पीस ऐसे नहीं रखना चाहिए ताकि हमारा दूसरा पॉन उसके हिसाब से ब्लॉक हो जाए और आगे चलने में दिक्कत हो जाए। तो बिशप डी सिक्स रिजेक्शन। उसके बाद डी सिक्स थोड़ी अंदाज में अच्छा है, कुछ ओपनिंग्स में इसे फिलीडोर डिफेंस बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी मूव इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भी डार्क बिशप बंद हो जाता है। तो नाइट सी सिक्स इज अ बेस्ट, यहाँ पे नाइट सी सिक्स बेस्ट रिप्लाई है, क्योंकि नाइट सी सिक्स की वजह से हमारा बिशप भी ओपन रहता है, क्वीन भी ओपन रहता है, नाइट एफ सिक्स के लिए जगह भी रहती है और नाइट डेवलप भी होता है और पॉन के ऊपर सपोर्ट भी आता है। तो इस रीजन से हम
सेकंड मूव सिलेक्ट कर रहे हैं नाइट एफ सिक्स। व्हाइट की थर्ड मूव क्या होनी चाहिए, बिशप सी फोर। अब व्हाइट यहाँ पे बिशप बी फाइव भी खेल सकता है और बिशप सी फोर भी खेल सकता है। तो चलिए हम बिशप सी फोर, ये एक गुड मूव है एफ सेवन पे अटैक करने के लिए। बिशप सी फाइव ये ब्लैक की बेस्ट मूव है रिप्लाई में। यहाँ पे बीबी फोर कर सकते हैं, लेकिन बीबी फोर से क्या होता है कि सी थ्री और बिशप पे प्रेशर आएगा और व्हाइट को टेम्पो मिलेगा अटैक करने का, इसीलिए बीबी फोर सही नहीं है। तो बिशप सी फोर, बिशप ये वाला बिशप ही क्यों बाहर निकालते हैं, उसका भी रीजन है, आपको कैसलिंग जल्दी करना होता है, कैसलिंग जल्दी करोगे तो ही गेम सेव होगी। तो बिशप सी फाइव इज अ बेस्ट। यहाँ पे वाइट सी थ्री, सी थ्री एक ऑप्शन है वाइट के लिए। नॉर्मली जो लाइन सिलेक्ट करते हैं सी थ्री के बजाय कैसल भी कर सकते हैं, पर सी थ्री ही क्यों, क्योंकि वाइट को ये सेंटर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट मूव में डी फोर करने का प्लानिंग है, कोई भी मूव के साथ प्लानिंग है तो आप अच्छे से खेल सकते हो। अभी डायरेक्टली हम डी फोर नहीं कर सकते क्योंकि नाइट बिशप और पॉन तीनों का अटैक है और हमारे दो ही सपोर्ट है। तो सी थ्री देन डी फोर आइडिया। अब इसके रिप्लाई में क्वीन ई सेवन, क्वीन ई सेवन इससे बेटर आइडिया है नाइट एफ सिक्स काउंटर अटैक ऑन ई फोर। चलिए क्वीन ई सेवन के बारे में हम गेम देखते हैं। व्हाइट यहां पे कैसल करता है, जैसे कैसलिंग के बाद ब्लैक ने डी सिक्स खेला और अपने डार्क स्क्वायर जो लाइट स्क्वायर वाला बिशप है ओपन किया। यहां पे व्हाइट ने डी फोर सेंटर पे अटैक कर दिया। अब देखो बिशप बी सिक्स, यहां पे व्हाइट ने ए फोर किया। अब ए फोर कुछ प्लानिंग था उसका, ब्लैक ने बिशप के लिए जगह बनाई ए सिक्स, ए फाइव, बिशप ए सेवन। हालांकि ये पॉन सेक्रीफाइस नहीं है, अगर वो बिशप टेक्स पॉन करता है तो यहां पे डी फाइव करके नाइट पे अटैक करके बिशप मर जाता है। जैसे कि हम बिशप टेक्स ए फाइव करे तो डी फाइव होगा, आप नाइट सेव करोगे, बाद में रुक टेक्स बिशप और वाइट पीस प्लस होता है। और दूसरा मूव जो है नाइट टेक्स पॉन, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी फोर और धेन अटैक कंटिन्यू। तो यहाँ पे बिशप ए सेवन, उसके बाद व्हाइट ने ए थ्री एच थ्री किया, बिशप से नाइट को पिन नहीं होने देना है व्हाइट को। ये रियल गेम बता रहा हूँ आपको, बहुत पुरानी गेम है, उसके बाद बहुत सारे लोग कुछ सीख गए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नाइट एफ सिक्स व्हाइट का रिप्लाई था, नाइट एफ सिक्स के बाद डी इंटू ई फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव, व्हाइट ने नाइट टेक्स ई फाइव किया, क्वीन टेक्स ई फाइव, नाइट डी टू, पॉन को सपोर्ट दिया, बिशप टेक्स एच थ्री, यहां पे सेक्रीफाइस बाय ब्लैक, जी टेक्स एच थ्री, क्वीन जी थ्री चेक, पिनिंग पॉन का एडवांटेज है। तो किंग एच वन फोर्स मूव, किंग क्वीन एच थ्री चेक, किंग जी वन, नाइट जी फोर विथ थ्रेट ऑफ चेकमेट। तो नाइट जी फोर के रिप्लाई में नाइट एफ थ्री, नाइट से सपोर्ट बना दिया। क्वीन जी थ्री चेक, किंग एच वन और बिशप टेक्स एफ टू,
चेकमेट क्वीन h3 की सेट है। अगर रुक टेक्स बिशप होता है तो नाइट f2 चेकमेट है, और यहाँ पे वाइट को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेट बचाने का। तो ये मिस्टेक इस गेम में कहाँ से हुई, कौन सी मिस्टेक ब्लैक ने की थी, तो आपको वीडियो पोस्ट करके आप अपने वो मिस्टेक ढूंढ सकते हो। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ मिस्टेक यहाँ पे हुई थी e4 e5 nf3 ब्लैक प्लेड nc6 bc4 bc5 c3 क्वीन e7। क्वीन e7 वाली जो मूव है ये मिस्टेक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे नाइट f6 काउंटर अटैक बेस्ड होता है। चलिए और भी सीखते हैं दोस्तों, ये जो पोजीशन है एकदम एक्सपर्ट लेवल के लिए है। अगर आप एक्सपर्ट प्लेयर हो तो इसका आंसर ढूंढ के बताइए मुझे, इसमें वाइट टू प्ले और विन है, और वाइट ने ऐसा क्या चला होगा इस गेम में कि ब्लैक ने तुरंत ही रिजाइन कर दिया था उसी मूव के बाद में। तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए, 10 मिनट लगेंगे, और अगर आपको तुरंत आंसर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आंसर मैं बताता हूँ, यहाँ पे वाइट ने क्वीन g6 सेक्रीफाइस मूव किया था। अब आप देख सकते हो कि क्वीन को 3 पीसेस से मर रहे हैं, हालांकि कंप्लीटली कैसलिंग पोजीशन है ब्लैक की, और कैसलिंग का एक पॉन भी उसने नहीं मूव किया है, फिर भी ये क्वीन सेक्रीफाइस के बाद ब्लैक रिजाइन। तीनों मूव पॉन टेक्स क्वीन, मतलब एफ पॉन से क्वीन अगर लेता है तो नाइट e7 चेक, किंग h8 फोर्स और रुक f8 चेकमेट। क्वीन g6 के बाद अगर ब्लैक h टेक्स क्वीन लेता है तो मेट इन वन मूव हो जाती, तो h टेक्स भी पॉसिबल नहीं। अब देखते क्वीन टेक्स, अगर क्वीन टेक्स क्वीन लिया तो नाइट e7 चेक, किंग h8, देन नाइट टेक्स क्वीन, फोर्स से क्वीन तो मिली गई वापस, लेकिन वो किसी भी पॉन से मार नहीं सकता, इस पॉन से मारा तो मेट इन वन है, इससे इलीगल है। अगर किंग g8 जाता है तो सिंपल एंड गेम विनिंग है नाइट टेक्स रुक, तो रुक बिशप के सामने 2 रुक है तो आसानी से वाइट के हाथ में गेम आ जाएगी। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर वो मारता ही नहीं है तो क्या होगा, लाइक उसने g6 वाले क्वीन को एक्सेप्ट नहीं किया सेक्रीफाइस, तो यहां पे क्वीन h7 चेकमेट की थ्रेट है, और ये भी पॉसिबल नहीं है h6, ये भी पॉसिबल नहीं है, आफ्टर नाइट e7 गेम क्रैश हो जाती है, किंग h8, रुक टेक्स कॉन्टेक्स और क्वीन h6 चेक। तो दोस्तों ये पोजीशन जबरदस्त ही सीखने लायक है, ध्यान से देखिए सोचिए, बाद में ही मेरा वीडियो पूरा तरह देख के आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।